Assalamu alaikum students, this is your general science subject teacher Miss Mariam. I hope you all are fine. जैसे कि हमारे यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है और यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला चैप्टर है ट्रांसमिशन ऑफ हीट. अच्छा, हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 125 से. अच्छा, अब इसके स्टार्टिंग में जो है वो हमें ये बताया जा रहा है कि क्या कभी आपने ये महसूस किया या ये सोचा कि हमें सनी डेज में क्यों जो है वो गर्माइश महसूस होती है, या फिर जब हम मेटल स्पून को कुकिंग के दौरान पकड़ते हैं तो क्यों हमें गर्माइश महसूस होती है, या फिर जो है वो हमें पानी के अंदर बबल्स क्यों नज़र आते हैं जब पानी उबल रहा होता है. तो इनका आंसर क्या है? हीट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह और ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्परेचर्स रखती है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है कि जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो मैटर है वो किससे बनता है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जो कि हमेशा किस पोजीशन में होते हैं, मोशन पोजीशन में होते हैं, यानी कि वाइब्रेटिंग पोजीशन पर होते हैं. अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है यानी कि जो वाइब्रेशन है उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी फॉर्म होती है जिसको हम हीट एनर्जी भी कहते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मोशन से जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम हीट एनर्जी भी कहते हैं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अक्सर हम ये सोचते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम क्लास 6 में ये पढ़ चुके हैं कि ये दोनों केस एक नहीं है, यानी कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेट करते हैं बट ये इंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं. हीट जो है वो क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इन अ सब्सटेंस. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि हीट क्या है, हीट जो है वो मॉलिक्यूलर मोशन है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी हीट कहलाती है. जबकि टेम्परेचर क्या है, वो डिग्री है, दर्जा हरारत है, हॉटनेस और कोल्डनेस का, जो कि हम मेजर करते हैं डेफिनेट स्केल के ज़रिए. तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, वो डिफरेंट है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं बट ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं. अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 127 पर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. पहले हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. जैसे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट के हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. ठीक है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ. अब हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके हैं जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, और इस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन. अब हमारे पास तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंडक्शन पर, जो कि तीनों में से एक मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है. जैसे कि मैटर बना है एटम्स और मॉलिक्यूल से, और ये जो हैं ये बहुत ही करीब होते हैं एक दूसरे से और टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड के अंदर, यानी कि सॉलिड चीज़ के अंदर जो है ये एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं और टाइटली पैक्ड भी होते हैं. अब सॉलिड में जो है, सॉलिड में जो है ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं ये फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत कर रहे होते हैं. कौन सी फॉर्म में? वाइब्रेशन फॉर्म में. जब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी गेट कर हीट गेट करते हैं किसी भी सोर्स से, तो ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं. यानी कि इनको किसी भी ज़रिए से जो है अगर हीट मिलती है तो ये उस हीट से फौरन से गर्माइश पकड़ना शुरू हो जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं. अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को जो के हैं लेस टेम्परेचर के, थ्रू देयर वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स. यानी कि जो मॉलिक्यूल्स, ऊपर भी मैंने आपको बताया
जो हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को जब गेट करते हैं तो वो हीट को फिर ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को जो कि हैं लेस टेम्परेचर में, और ये किस ज़रिए से होते हैं, अपनी वाइब्रेटिंग मूवमेंट के ज़रिए से। हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। इससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड तक होती है, और ये जो कंडक्शन है, जो मोड पहला मोड है कंडक्शन, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है। जैसे कि हमारी एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट में क्या आ जाता है कि रोज़मर्रा में हम कैसे जो है वो कंडक्शन प्रोसेस को देख रहे होते हैं। कुकिंग के दौरान जो है हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने फूड को कुक करते हैं। तो उस सॉलिड को आप जो है वो हीट किस सोर्स से दे रहे होते हो, वो आप स्टोव के ज़रिए दे रहे होते हो। तो जब स्टोव पर कोई भी फ्राइंग पैन या पॉट रखा जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब उसको रखा जाता है तो वो फ़ौरन से जो है वो क्या करते हैं, हीट को गेट कर लेते हैं, हीट पिक कर लेते हैं, और उसके अंदर जो फूड होता है वो फ़ौरन से पक जाता है। और जब हम इन फ्राई पैन को या इस तरह के जो पॉट्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में, उनको जब हम पकड़ते हैं तो किसी भी उसका जो है वो हैंडल प्लास्टिक हैंडल होता है या वुडन होता है, ताकि जो उसमें कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है, उससे हम अपने आप अपने हाथ को जो है वो बचा सकें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब हमारे पास दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स जो हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो सॉलिड जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स, ठीक है, और जो सॉलिड जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर्स, और हम उनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अब गुड कंडक्टर्स में जो है मेटल आ जाता है, कॉपर आ जाता है, और कुछ ऐसे मटेरियल जैसे वुड है, प्लास्टिक है और पेपर है, ये जो है ये हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट में आ जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको अपने मॉडल वर्क में जो होमवर्क जा रहा है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।